आप सब, जाहिर सी बात है आप सब लोग अच्छे ही होंगे, पर आप सब लोग मेरे को जानते हैं, मेरा नाम है रजत पॉपर। तो मैं बताऊंगा आपको हाउ टू डू अ ब्रिज स्ट्रेच। आपको पता है ब्रिज स्ट्रेच बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप बैक फ्लिप, बैक हैंड स्प्रिंग, बैक वेलकोवर सीखना चाहते हैं। तो बहुत सारे मैसेज आते हैं कि बैक वेलकोवर नहीं आ पाता है, काफी सारी चीजें आती हैं कि बैक वेलकोवर आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो ब्रिज ना होने की वजह से आता है। इसको डी स्ट्रेच ही बोलते हैं। ये सबसे आसान है, जिसे बोलते हैं वर्स्ट, बिल्कुल सबसे सामान्य रेखा में आता है ये स्ट्रेच, बहुत ही आसान है। आप ध्यान से देखिए, कुछ समझ नहीं आप कमेंट्स में लिखिएगा। तो शुरू करते हैं हम इस चीज को। और आप देख रहे हो रूम में लाइट बड़ी कम है, तो मैं लाइट्स ला लेता हूँ। लाइट्स थोड़ी सी और, क्या बात है, लाइट जल गई है, अब शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे हम कि ब्रिज स्ट्रेच कैसे किया जाए, ठीक है, आसान से, बिल्कुल आसान से शुरू करेंगे। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं ब्रिज, देखो जिन्हें पता ही नहीं ब्रिज होता क्या है, वो बात ऐसे रख देते हैं और बॉडी को ऐसे ओपन करते हैं। देखिए आपको हंसी आ रही होगी, हंसने वाली बात भी है, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं इसको, ठीक है, ये बिल्कुल गलत फॉर्म है, ठीक है। शुरू में आप क्या करें, अपने पैरों को किसी भी दीवार की सतह से अटका लें, ठीक है। उसके बाद आपके हाथ रहेंगे इस स्टेप से पीछे की तरफ, ठीक है। तो करके देखेंगे, इस स्टेप से आप लेटेंगे और आप बॉडी को ऊपर करेंगे हल्का सा, दोनों हाथ रखेंगे पहले तो हाथ रखने पड़ेंगे आपको, अगर आप हाथ नहीं रख पा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। इस स्टेप से हाथ रखने आपको, देख लीजिए आप हाथ कैसे रखेंगे, ये हाथ रखना सबसे ज्यादा मेन है। हाथ के बाद आप बॉडी को हल्का सा ऊपर पुश करेंगे, हल्का हल्का स्टेप से, ठीक है। पूरी जान नहीं लगाएंगे, पूरी जान लगाएंगे दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे बढ़ाते जाओगे स्टेप से ऊंचा होता जाएगा आपका भी, और आपके ये दूसरे एंगल से आप देख पा रहे होंगे, इसी टाइप से करना है आपको, इससे आपको हाथों का पूरा ज्ञान हो जाएगा। कर रहे हो स्टार्टिंग में, एक डेढ़ मिनट करोगे तो पेट आपका खिंच जाएगा, पेट खिंच जाएगा, भूख लगेगी भी तो मुंह से खून आएगा, कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि पेट एक बार खिंच जाता है ना तो मसल्स हैमस्ट्रिंग्स खिंच जाती हैं, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं करेंगे, बॉडी का मामला है क्योंकि, ठीक है। तब इससे करेंगे दोबारा से, इस तरीके से करेंगे आप।